हेलो गाइस, लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दूस जिनको प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है और जो खुद से ट्राई करना चाहते हैं। एक बार आप ना जब इसको रन करो ना, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जिस वे से आप आ रहे हो, जैसे लेट अस सपोज कि आप यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हो ना, तो पिछले वाला जो है ना वो आपका ऑलरेडी विजिटेड है। तो अब यहाँ से वापस वही चार कंडीशन पॉसिबल है, या तो राइट, या तो लेफ्ट, या तो डाउन, या तो अपसाइड। ठीक है, तो आप कभी भी लेफ्ट में नहीं जा सकते, जहां से आप आ रहे हो ना वहां से नहीं जा सकते। तो उसको ब्लॉक करने के लिए इधर कुछ भी कर सकते हो, मतलब काफी सारे वेज हो सकते हैं। या तो विजिटेड नाम का एक 2D मैट्रिक्स बना के उसको जीरो करते जाओ, मतलब यहाँ पे विजिटेड करते जाओ, या फिर इसको ग्रिड में जीरो कर दो, या फिर व्हाट्स एवर वट एवर यू वॉन्ट टू ट्राई। ठीक है, बट यहाँ पे जहां से भी अपन आ रहे हैं ना, जिस रास्ते से अपन आ रहे हैं, उसको हमेशा मार्क करना जरूरी है कि अपन वापस वहां पे ना चल जाए। ठीक है, ओके। जिनको समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपन बड़े आराम से देखने वाले हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में फिर इसका आराम से लॉजिक बिल्ड करेंगे और फिर कोड का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, जिससे अपन पूरा 100% इस क्वेश्चन को ना अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा अपने। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को बोलना क्या चाह रहा है। सबसे पहली बात तो अपने को ना यहाँ पे एन क्रॉस एम की एक ग्रिड दी हुई होगी, बेसिकली एक मैट्रिक्स दी हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, आराम से समझते हैं कि यहाँ पे ना अपने को एक ग्रिड दी हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपने को एक सोर्स सोर्स दिया हुआ है और एक डेस्टिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब वॉट इट मीन बाय सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज कि सोर्स जो है ना वो 0.1 यानी कि यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, वेट ए मिनट, सॉरी, हाँ यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और जो डेस्टिनेशन है ना वो अपना 2.2 यानी कि यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ओके। अब ये बेसिकली ये बोल रहा है कि यहाँ से सोर्स से अपन डेस्टिनेशन तक ट्रैवल कर सकते हैं क्या, लेकिन द कंडीशन आर कि ना जहाँ जहाँ पे 1 है ना मैट्रिक्स में, वो सिर्फ वहीं वहीं पे आ सकता है। ठीक है, 0 है वहाँ पे मूव नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, कोई भी जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ राइट में, लेफ्ट में, अपसाइड या डाउन साइड मूव कर सकता है, डायगोनल मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। और जब भी वो मूव करेगा, तो जैसे यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए उसको कितने स्टेप्स लगेंगे, 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे, 1। ठीक है, फिर जैसे यहाँ से यहाँ पे आ गया, लेट अस सपोज 1 स्टेप में, तो फिर यहाँ से यहाँ पे आने में भी 1 स्टेप, तो टोटल यहाँ से यहाँ पे आने में कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप्स। ठीक है, तो वैसे ही अपने को स्टेप्स का काउंट रखना है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे अपने को टोटल बेसिकली यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में यहाँ पे पहुंचने का वही बताना है कि अपने को मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो माइट भी ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे सारे ही 0 हो जाए। ठीक है, लेट अस सपोज कि यहाँ पे सारे ही 0 हो गए। ठीक है, आप कहीं से पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, अब क्या करोगे? हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है, पहुंच ही नहीं सकते तो -1। ठीक है, अगर रास्ता पॉसिबल ही नहीं है तो -1, और अगर पॉसिबल है तो, अगर एक से ज्यादा है तो मिनिमम, और नहीं तो एक है तो ऑफकोर्स ही बात है वही अपन दे देंगे। तो अपने को बेसिकली रास्ता भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स अपने कितने रिक्वायर्ड होंगे। 0.1 यानी कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे आना है, तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3rd स्टेप में अपन पहुंच जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं अपना आंसर क्या है। हाँ, 3 स्टेप्स लग रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार यहाँ पे अपन क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 0.0 पे अपन खड़े हैं, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे आना था अपने को, 3.4, 3.4 यानी कि 0, 1, 2, 3, 3 का 4th इंडेक्स, तो 1, 2, 3, 4, ये वाला। ठीक है, ओके, यहाँ से यहाँ पे आने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे अपने को, ये देखो 1, 2, 3, फिर अपन यहाँ पे मूव कर लेते हैं 4, फिर 5, फिर 6। अच्छा, यहाँ पे तो आना पॉसिबल ही नहीं था, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, कि या तो इसके ऊपर वाले से है तो ऊपर वाला क्या है, 0, इसके लेफ्ट वाले से है, लेफ्ट वाला क्या है, वो भी 0। अच्छा, इसके राइट वाले से है, राइट वाला क्या है, वो भी 0 है, डाउन वाला क्या है, वो भी 0 है, मतलब राइट और डाउन तो बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है, मैट्रिक्स में है ही नहीं। ठीक है, तो अपन लेट अस अज्यूम देम एज 0, ओके। तो कहीं से भी अपन इस पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि 0 वाले मार्क पे तो अपन वैसे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इस पे क्या है, इसमें डेस्टिनेशन पे रीच होना इम्पॉसिबल है, तो अपन ने क्या बोल दिया, -1। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका है अपने को। अब अपन सोचते हैं कि इसके ऊपर अपन लॉजिक क्या बिल्ड कर सकते हैं। नॉर्मली अपन देख रहे हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन अभी जस्ट अपने सामने आया और अभी अपन ने क्वेश्चन समझा है। ठीक है, क्वेश्चन समझते ही अपने दिमाग में सबसे पहली अप्रोच क्या आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली अप्रोच वही आएगी अपने कि अपन यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, यहाँ से अपने को यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आने के लिए मिनिमम रास्ता अपन देखेंगे। ठीक है, अब मिनिमम रास्ता कैसे देख सकते हैं अपन, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे अपने को आना था। ठीक है, लेकिन ये भी 0 है। हाँ, लेट अस अज्यूम 1, 2, 3, ये तीनों 0 है। ठीक है, सिर्फ यही से आया जा सकता है, लेट, हाँ ठीक है, यहीं से आया जा सकता है। तब ये बताओ कि डाउन साइड वाला तो पॉसिबल नहीं था जो अपन वे ले रहे थे। हाँ, ये वाला वे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, बट क्या इस पे आना इम्पॉसिबल हो गया? नहीं, ये वाला वे तो खुल गया ना, ये वाला वे तो खुला है।
हाँ ठीक है, ये वाला भी खुला है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अपन सबसे पहली बात तो जिस भी एलिमेंट पे खड़े हैं ना उस पर ये नहीं है कि सिर्फ सीधा डाउन चल जाओ। अगर ये वाला रो वाला मतलब अपना डेस्टिनेशन एलिमेंट नीचे है तो सीधा नीचे जाके, ऐसा नहीं है कि अपना आंसर आ ही जाएगा। हो सकता है कि अपने को पहले राइट में चलना पड़ जाए, हो सकता है पहले लेफ्ट में चलना पड़ जाए, हो सकता है पहले अपने को डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट चलना पड़ जाए। मान लो ये 0 हो और ये भी 0 हो, और लेट अस अज्यूम कि इसके ऊपर वाला 1 है और यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। हाँ तो अपने को ऊपर जाके ही हो सकता है कोई रास्ता मिल जाए, तो माइट बी पॉसिबल, ठीक है। इसका मतलब एक चीज तो अपने क्लियर है कि अपने को हर बार चारों डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले इस डायरेक्शन, इस एलिमेंट पे अपन खड़े थे, हाँ इस एलिमेंट पे अपन ने खड़े होकर चारों डायरेक्शन में देख लिया कि कहाँ कहाँ पॉसिबल है जाना, ठीक है। तो लेट अस अज्यूम अपन सबसे पहले राइट में मूव करें, ठीक है। तो अब अपन राइट में मूव करें तो अपन ने इसको क्या कर दिया, विजिटेड, इसको मतलब अपन ने जीरो कर दिया। लेट अस अज्यूम कि अपन इसको जीरो कर देते हैं, ठीक है। अभी अपन से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपन बिल्कुल आंसर पे पहुंच रहे हैं, अभी सिर्फ अपन लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे अपने आंसर्स पॉसिबल हैं। जो अपने को क्वेश्चन को देख के एक बार अप्रोच दिमाग में आ रही है ना, वो देख रहे हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए अपन, यहाँ से भी आके अपने वो चारों पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। तो अभी एक बार सबसे पहले अपन सिर्फ राइट वाली पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ से अपन वापस यहाँ पे मूव करें और इसको अपन ने कर दिया जीरो, ठीक है। अब इसके बाद में राइट वाला पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले राइट वाली चेक कर ली, अब अपन करेंगे इसकी लेफ्ट चेक, ठीक है। तो लेफ्ट वाले में क्या कर दिया अपन ने, जीरो मार्क कर दिया। बेसिकली अपने को विजिटेड मार्क करना था, अपन ने जीरो मार्क कर दिया कि तो कि हाँ चलो ठीक है, जीरो पे तो अपन वैसे ही मूव नहीं कर रहे, ठीक है। अब अपन कौन सा चेक करेंगे, टॉप। अच्छा टॉप इसके पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अब सिर्फ डाउन बचा, अगर ये डाउन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी राइट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन डाउन पॉसिबल था, ओके। तो यहाँ पे वापस अपन यहाँ पे आ गए वन पे, अब वन पे आके वही अपन ने वापस चेक किया, राइट, राइट पॉसिबल नहीं था, लेफ्ट, लेफ्ट भी पॉसिबल नहीं था। अच्छा टॉप, टॉप भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि अपन इसको भी क्या कर दिया, जीरो मार्क, ठीक है। तो अब से डाउन पॉसिबल है, ओके। यहाँ पे आ गए अपन, ठीक है, अपनी डेस्टिनेशन है ये है, ठीक है। यहाँ पे आए, ठीक, यहाँ पे आके अपन ने वापस चेक किया कि अपना राइट पॉसिबल है क्या, नहीं है। लेफ्ट पॉसिबल है, हाँ है। लेफ्ट पे जाते ही व्हाट वी रीच, वी रीच आवर डेस्टिनेशन पोजिशन, हाँ ये लॉजिक तो काम कर रहा है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे थे, लेट अस अज्यूम कि इस बार अपन ना टॉप में चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो टॉप में जाना तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अपन लेट अस अज्यूम लेफ्ट ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट में जाना पॉसिबल था, हाँ पॉसिबल था। अच्छा वहाँ पे स्टेप्स जो थे वो काउंट किए थे, नहीं भूल गए, तो एक बार काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ के लिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड 5। तो वहाँ से यहाँ राइट में जाने पर अपने को कितनी लगी, 5 स्टेप्स, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ने टॉप चेक किया, टॉप पॉसिबल था नहीं, फिर अपन ने लेफ्ट चेक किया, हाँ लेफ्ट पॉसिबल था, ठीक है। लेफ्ट पॉसिबल था तो अपने लेफ्ट में चले गए, यानी कि यहाँ पे चले गए, ठीक है, ओके। फिर वापस अपन ने इसका टॉप चेक किया, टॉप पॉसिबल नहीं था, लेफ्ट चेक किया, लेफ्ट भी पॉसिबल नहीं था। फिर अपन ने राइट चेक कर लिया और फिर अपन डाउन चेक कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो राइट चेक किया, राइट में क्या हो चुका था, 0, ठीक है। तो अब अपन ने इसका डाउन चेक कर लिया, डाउन पॉसिबल था, हाँ डाउन पॉसिबल था, ठीक है। नीचे आ जाओ, और अब इसके स्टेप्स कितने हो चुके हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आते वापस अपन ने वही चेक किया, टॉप, टॉप अपना 0 हो चुका था, हाँ। लेफ्ट चेक किया, लेफ्ट अपना एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। राइट चेक किया, राइट में अपना 1 था, हाँ राइट पॉसिबल है। तो पहले अपन इसके राइट में आ जाएंगे, फिर राइट में आके वापस अपन चेक करेंगे कि टॉप पॉसिबल है, नहीं टॉप पॉसिबल नहीं है, टॉप अपना 0 मार्क करके आए थे अपन, ठीक है। लेफ्ट पॉसिबल है, नहीं लेफ्ट पॉसिबल नहीं, इसको भी अपन ने 0 मार्क कर दिया। राइट पॉसिबल है, नहीं राइट तो पहले से 0 मार्क था। डाउन, हार्ड सिर्फ डाउन ही पॉसिबल है, ये अपने डेस्टिनेशन थे, ठीक है। हाँ यहाँ पे आए अपन, फिर यहाँ पे आके वापस अपन ने टॉप चेक किया, बोला टॉप पॉसिबल नहीं है, अपन वहीं से आ रहे हैं तो अपन ने उसको 0 मार्क कर दिया है, ठीक है। फिर अपन ने बोला लेफ्ट पॉसिबल है क्या, बोला हाँ लेफ्ट पॉसिबल है, तो लेफ्ट पे मूव कर गए, ठीक है। फिर अपन ने वापस यहाँ से चेक किया, टॉप पॉसिबल था क्या, नहीं टॉप पॉसिबल नहीं था, ठीक है। लेफ्ट पॉसिबल था क्या, बोला नहीं लेफ्ट पॉसिबल नहीं था। राइट पॉसिबल था, बोला राइट भी पॉसिबल नहीं था। डाउन पॉसिबल था, बोला डाउन पॉसिबल था, ठीक है। तब ये यहाँ से आके यहाँ पे बिल्कुल इसके राइट में आंसर पॉसिबल था, बट ये यहाँ पे घूम गया, और ये यहाँ से समाओ अगर इस पे पॉसिबल है तो ये सारे वेज कैलकुलेट कर लेगा अपना, हाँ कि ना, हाँ। तो यहाँ से अपने को एक चीज और पता चल गई कि अपने वेज तो काफी सारे हो सकते हैं, अपन तो सिर्फ 4-5 वेज देख रहे थे, बट ये तो ऐसे घूम के भी रास्ता निकल सकता है, माइट बी पॉसिबल, हाँ सही बात है, ठीक है। तो अपने को हमेशा क्या है कि चारों के चारों पॉसिबिलिटी लेके चेक करनी है, और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अपन सबसे पहले टॉप की करें या सबसे पहले राइट की करें या सबसे पहले लेफ्ट की करें या सबसे पहले डाउन की करें, कहीं की भी कर लो, किस भी वे में चला लो, ठीक है। बट अपने को बस हमेशा क्या ध्यान रखना है कि बेसिकली जिस वे से अपन आ रहे हैं
उसको अपने को सबसे पहले तो विजिटेड, अगर विजिटेड नाम का ग्राफ टू डी एरे बना रहे हो अलग से, ठीक है, बेफालतू की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज होगी, मैं तो कहता हूँ इसको जीरो मार्क कर लो, ठीक है। ओके तो अपन जीरो मार्क करते हैं, जीरो मार्क वाली तो अपनी कंडीशन थी कि अगर जीरो है तो आगे बढ़ो ही मत, अगर जीरो नहीं है तो फिर अपन आगे देखते हैं आगे, ठीक है। ओके आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपने क्या था कि अपन नॉर्मली डिस्कस कर रहे थे, और नॉर्मली डिस्कस करते करते अपने को क्या पता चला कि अपना बड़े आराम से आंसर बिल्ड होने लग गया, ठीक है भाई। आंसर अपना तो बिल्कुल अप्रोच बैठ रही है, ठीक है, अपन ने दो तीन तरीके से लेके देख लिया, हाँ हर तरीके से बैठ रही है, ठीक है। ओके तो अपन इसी को कोड करके देख लेते हैं, देखते हैं इसको कोड करके सही आंसर आता है या नहीं, ठीक है। तो अब बेसिकली अब अपना कोड करने के लिए अपन ने क्या बोला, सबसे पहले अपन ने ये बोला कि जो भी सोर्स है सोर्स पे आएंगे अपन, ठीक है, सोर्स पे आए अपन 0.1 पे आए, ठीक है। उसके बाद चार ऑपरेशन इस पर लगा देंगे, एक टॉप के लिए, एक डाउन के लिए, एक राइट के लिए और एक लेफ्ट के लिए, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। और जिसमें भी अपन गए, जैसे टॉप में गए अपन, तो टॉप में जाने से पॉसिबिलिटी जो थी, ठीक है, हाँ, उसको अपन अपनी एक कुछ भी बना लेंगे, उसमें डाल देंगे कि हाँ टॉप पे जाने पे अपने पास ये आया, ठीक है, डाउन पे जाने पे अपने पास ये आया, राइट पे जाने पे पास अपने ये आया, और लेफ्ट में जाने के पास अपने पास ये आया, ठीक है। अच्छा भैया ये क्या है, देखो यहाँ पे जो अभी अपन ने डिस्कस किया था ना, उसको बोलते हैं DFS, अगर आपको नाम नहीं पता उस टेक्निक का, तो उसको बोल रहे थे अपन DFS। DFS का मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। उसका मतलब क्या होता है कि अपन ने क्या किया, जैसे अपन राइट में मूव कर गए ना, तो अपन राइट में मूव करने के बाद में अपन ने ये नहीं देखा कि इसके लेफ्ट में भी एक पॉसिबिलिटी थी, टॉप में भी एक पॉसिबिलिटी थी, डाउन में भी एक पॉसिबिलिटी थी। अपने को जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी फिजिबल लगी, मतलब यहाँ पे अपना लेट अस अज्यूम फर्स्ट में राइट है, ठीक है, तो अपने को राइट में था कि हाँ भाई राइट में अपन जा सकते हैं, और राइट में जा सकते हैं, और यहाँ पे राइट में वन भी मिल गया अपने को, तो अपन चले गए। अपन ने फिर ये नहीं सोचा कि डाउन और ये भी सब पॉसिबल है, ठीक है, उसमें फिर अपन राइट में चले गए, फिर अपन ने राइट में जाके वापस सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली एंड सो ऑन। तो इसको तो अपन क्या बोल देंगे, सबसे पहले अपन ना एक डायरेक्शन में मुड़ के और उस डायरेक्शन से अपन अपनी डेस्टिनेशन की तरफ अप्रोच करने लग गए, ठीक है। तो उसको अपन बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो डेप्थ तक जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक पेज गया और फिर छोड़ दिया और फिर बाकियों को भी देखने लग गया, नहीं, उसने बोला वो डेप्थ तक जाएगा पहले, ठीक है, तो इसलिए उसको डेप्थ फर्स्ट सर्च बोलते हैं। और अब यहाँ पे ये जो टेक्निक अपन बता रहे हैं इसको BFS बोलते हैं, यानी कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे मान लो ये वन है, अब वन से चार पॉसिबिलिटी थी, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट, ठीक है, तो वहां पे तो क्या हो रहा था, एक बार राइट मूव कर दिया तो राइट वाला पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि टॉप में मूव, टॉप वाला देखेगा ये टॉप वाला पॉसिबल है, ठीक है, तो उसको एक क्यू में रख लिया लेटर सब कुछ अपन ने कि हाँ यहाँ पे टॉप पॉसिबल था, ठीक है। ओके फिर अपन ने बोला कि राइट पॉसिबल है, हाँ बोला राइट भी पॉसिबल है, फिर अपन ने बोला लेफ्ट पॉसिबल है, बोला राइट भी पॉसिबल है, ठीक है, फिर अपन ने बोला डाउन बॉटम भी पॉसिबल है, बोला हाँ बॉटम भी पॉसिबल है, ठीक है, ये सारे क्यू में आ गया। अब यहाँ के सारे ऑपरेशन हो गए, इसके बाद में सबसे पहले क्या करेगा, टॉप पे जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लेट अस अज्यूम यहाँ पे जाना पॉसिबल होता तो यहाँ पे जाएगा, और फिर यहाँ पे जाके वापस वहाँ के सारे चेक करेगा कि वहाँ से उसके टॉप में जाना पॉसिबल है क्या, अगर पॉसिबल हुआ तो उसका यहाँ पे डाल देगा, ठीक है, फिर वहाँ से उसके राइट में जाना पॉसिबल है, हुआ तो फिर वो यहाँ पे डाल देगा, ठीक है, फिर इसके लेफ्ट में जाना पॉसिबल हुआ तो वो भी डाल देगा, और फिर इसके बॉटम में जाना पॉसिबल हुआ तो वो भी डाल देगा। तो बॉटम में जाना तो ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अपन बॉटम से आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अब यहाँ पे क्या है, राइट में, अब वो इसके राइट में गया, हाँ, और इसके राइट से पहले सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर लेगा एंड सो ऑन, समझ गए, हाँ समझ गए, ठीक है। हाँ तो अपन यहाँ पे क्या है, अपन ने दोनों अप्रोचेज डिस्कस कर लिए, BFS और DFS। आप जिससे भी टेक्निक से आप कोशिश कर रहे थे या जो भी आपके दिमाग में आ रही थी ना, उसको आराम से इंप्लीमेंट करके देखो, दोनों ही टेक्निक बड़े आराम से बिल्ड होगी, TLE किसी में नहीं आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों ही अपने आप में ऑप्टिमाइज, ठीक है। अब यहाँ पे अपन BFS टेक्निक से देखते हैं, DFS से अपन समझ चुके हैं, इसलिए BFS से अपन घोड़ कर देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया अपन ने, यहाँ पे वही कि यहाँ पे अपन इस पे खड़े थे, तो इस पे खड़े होने के बाद में अपन क्या करेंगे, कोई सा भी एक रूल फॉलो कर लेंगे, टॉप डाउन राइट लेफ्ट ये कर लेते हैं, चलो ठीक है। और इसमें करने के बाद अपन ने क्या किया कि जो भी टॉप वाला है उसको एक क्यू में स्टोर करवा दो, जो भी टॉप पे जाने पे अपने इंडेक्सेस बन रहे हैं उनको, ठीक है, डाउन पे जाने पे जो भी बन रहे हैं उनको, राइट पे जाने पे जो भी बन रहे हैं उनको, लेफ्ट पे जो भी जाने पे बन रहे हैं उनको, ठीक है, और उन पर फिर अपन आगे चेक करते जाएंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं अपना कोड क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, देखो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले तो ये चेक किया है कि क्या अपना सोर्स डेस्टिनेशन के बराबर है क्या, सोर्स क्या था डेस्टिनेशन क्या था, देखो सोर्स ये था डेस्टिनेशन ये था। अब लेट अस सपोज कि मेरा सोर्स 0.1, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और लेट अस सपोज मुझे पहुँचना भी यहीं पे है, तो मेरे को स्टेप्स कितने लगेंगे, 0, ऑफकोर्स सी बात है ना, हाँ ठीक है,
तो इसलिए अपन ने चेक कर लिया कि क्या अपना सोर्स और डेस्टिनेशन अगर इनिशियली अपना जीरो है, सॉरी सेम है, तो अपने स्टेप्स कितने लगेंगे, जीरो। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या किया, एन के अंदर ले लिया ग्रिड के साइज। ठीक है, तो एन के अंदर क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज, रोज आ गई। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ओके। एम के अंदर क्या ले लिया अपन ने, कॉलम की साइज। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम आ गई, तो 0, 1, 2, 3, यानी कि 4, 4 आ गया एम के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या किया, क्यू बनाई है। क्यू क्या है, क्यू क्यू बनाई कि देखो ये जो अपन इसके अंदर स्टोर करवा रहे थे ना, तो अपन ने बोला अपन क्यू के अंदर स्टोर करवा लेते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा क्यू के अंदर भी है, अपने पेयर ऑफ पेयर क्यों बनाया, पेयर ऑफ पेयर क्यों बनाया, यहाँ पे तो सिर्फ दो चीज़ें डालते तो भी हो जाता है, एक तो उसकी मतलब उसकी बेसिकली यहाँ पे डाल देते अपन इसकी मैट्रिक्स के अंदर क्या वैल्यू है आई और जे की। आई कॉरेस्पॉन्ड्स टू रो और जे कॉरेस्पॉन्ड्स टू कॉलम, तो अपने पास रो और कॉलम वाला इंटीजर आता था, तो अपन समझ जाते कि अपन कौन सी पे खड़े हैं। तो आपने एक और क्यों बनाया, अच्छा एक और अपन ने इसलिए बनाया कि जिससे अपने पास हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रहे कि यहाँ पे अपन कितने स्टेप्स चल चुके हैं। समझ में आ रही है ना, कितने स्टेप्स चल चुके हैं अपन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन ने क्या किया बेसिकली, अब यहाँ पे अपन ने तीन लिए, दो तो अपन ने पेयर में लिए, जहाँ पे अपन क्या स्टोर करवा देंगे बेसिकली, वहाँ पे अपन ये स्टोर करवा देंगे कि अपना क्या उसका वो है, पोजीशन क्या है। ठीक है, और एक अपन उसकी स्टेप स्टोर करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या किया, क्यू के अंदर सबसे पहले पुश किया क्या अपन ने, सोर्स, क्योंकि अपने को सोर्स से स्टार्ट होना था। हाँ, बहुत सी बात है। ठीक है, और उसके लिए अपन ने स्टेप्स कितनी पुश कर दी, जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, ग्रिड का जो भी सोर्स का फर्स्ट है और जो भी सोर्स का सेकंड है उसको जीरो मार्क कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, सोर्स के अंदर क्या था ये, तो सोर्स का फर्स्ट रिप्रेजेंट टू इट्स रो एंड सोर्स का सेकंड रिप्रेजेंट टू इट्स कॉलम। ठीक है, तो अपन ने इसको बेसिकली इस एलिमेंट पे अपन आए और इसको अपन ने क्या मार्क किया, जीरो। क्यों, क्योंकि यही अपना स्टार्टिंग था, इतना तो अपन समझ ही चुके थे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अपन जहाँ से भी ट्रैवल करते जा रहे हैं उसको अपन जीरो मार्क करते जाएंगे, जिससे अपन दोबारा इस पर ना आ जाए। बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या बोला, एक वाइल का लूप चलाया कि जब तक अपने क्यू एम टी ना हो जाए। ठीक है, तो क्यू एम टी ना हो जाए तब तक ये पॉसिबिलिटी सारी आएंगी। बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या बोला कि अपना एंटी चलाओ क्यू के साइज तक। अच्छा, इसका क्या मतलब था, एंटी चलाओ क्यू के साइज से क्या मतलब था। देखो, इसका मतलब ये था बेसिकली, यहां पे अपन ने क्या किया, लेट अस सपोज कि अपन अभी इस पे खड़े हैं। ठीक है, यही अपनी स्टार्टिंग थी और अभी अपन सी पे खड़े हैं। ठीक है, तो अपने स्टेप्स कितनी स्टोर कर रही थी अपन ने, जीरो। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इससे चार पॉसिबिलिटीज थी, टॉप वाली, बॉटम वाली और राइट वाली और लेफ्ट वाली। ठीक है, ये चारों आ गई। अब इसके क्यू की साइज क्या हो चुकी है, 4। हाँ, तो इन सब में सिर्फ अपने को एक स्टेप बढ़ाना है, सब में एक एक ही स्टेप बढ़ाना है। हाँ सही बात है। अब जब ये चारों अपनी पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, तब मतलब कि जब टी हटेगा, ठीक है, तो टी के हटने के बाद में यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, टॉप की, टॉप की भी चारों की चारों पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, तो चार टॉप की। ठीक है, राइट हटे, बॉटम हटेगा तो बॉटम की भी चार। ठीक है, राइट हटेगा राइट की भी चार और लेफ्ट हटेगा लेफ्ट की भी चार। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हुई, 16। ठीक है, लेकिन 16 के स्टेप्स कितनी बढ़ेंगे, सबकी एक एक ही बढ़ेंगी। क्यों, यहाँ पे जो थी उन सब में एक एक ही बढ़ेगी। क्यों, उसके पीछे का सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पे अपन सीधा थर्ड स्टेप में मूव कर ही जा रहे हैं। हाँ ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आगे अपन और भी आराम से समझने वाले हैं। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया कि जब तक अपने क्यू की साइज है तब तक उसको इटरेट करते जाओ। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक रो नाम का इंटीजर बनाया। रो नाम के इंटीजर में अपन ने क्या किया कि ये वाली वैल्यू ली, क्यू के अंदर अपने कैसे स्टोर था, सबसे पहले 0,1 था, सोर्स अपना यहीं से स्टार्ट हो रहा था, तो अपना रो की क्या थी, जीरो, तो अपन ने जीरो स्टोर करवा दिया। और इसमें एड ऑन क्या किया देखते हैं, यहाँ पे अपन आगे एड ऑन करते हैं। यहाँ पे अभी अपन ने क्या किया कि जीरो इंडेक्स पे आ गए अपन। जीरो इंडेक्स पे कैसे आएंगे, क्यू के फर्स्ट का फर्स्ट, सही बात है। हाँ, तो क्यू के फर्स्ट के फर्स्ट पे आ गए अपन। ठीक है, फिर अपन ने कॉलम में भी ले लिया क्यू के फर्स्ट का सेकंड। हाँ, फिर अपन ने डिस्टेंस ले लिया क्यू का सेकंड। हाँ, यही अपन ने ऐसे स्टोर करवाया था, बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या किया, रो के अंदर, ठीक है, सबसे पहले तो अपन ने ये चेक किया कि क्या आपने अभी जिस रो जिस पे भी अपन खड़े हैं, क्या आपने वही डेस्टिनेशन पोजीशन है कि नहीं। तो अपन ने क्या बोला, रो के अंदर जो भी वैल्यू है उसको चेक कर लो, क्या वो डेस्टिनेशन के फर्स्ट, और कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू है डेस्टिनेशन के सेकंड के बराबर है या नहीं। अगर है तो डिस्टेंस जो भी आया है अभी तक उसको रिटर्न करवा दो, नहीं तो सबसे पहले तो ये चेक करो, ठीक है, कि अपन अगर रोम में एक कदम आगे बढ़ जाए तो कोई दिक्कत है क्या।
रो में एक कदम, जैसे यहाँ पे इस वाले इंडेक्स पे अगर अपन खड़े हैं मान लो, लेट अस अज्यूम, तो यहाँ पे अब अपन रो में एक कदम आगे नहीं जा सकते, तो क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है वहाँ पे मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे इस सेफ नाम का फंक्शन बनाया, उसको देख लेते हैं वो क्या बोल रहा है। बोले सेफ है अपना, ये ट्रू रिटर्न करेगा और फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों में से एक ही रिटर्न करेगा, मतलब बूलियन ही रिटर्न करेगा, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर अपनी जो आई की वैल्यू है वो जीरो से छोटी है, या फिर जे की वैल्यू जीरो से छोटी है, या फिर आई की वैल्यू एन से बड़ी है, या फिर जे की वैल्यू एम और एम के बराबर या एम से बड़ी है, तो यहाँ पे अपना रिटर्न फॉल्स कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी ग्रिड लेफ्ट में जा रही है अपनी मैट्रिक्स के, या फिर राइट में, या फिर ऊपर जा रही है, ठीक है, या फिर इसके राइट में जा रही है, या फिर इसके बॉटम में जा रही है, कहीं पे भी ऐसी कंडीशन में जा रही है जहाँ पे इसका जाना फिजिबल नहीं था, तो वहाँ पे तो क्या करते हो, रिटर्न फॉल्स, मतलब वहाँ पे सेफ नहीं है, ये सेफ पोजिशन नहीं है, ठीक है, नहीं तो रिटर्न ट्रू कर ही देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपन ने देख लिया ये कि हाँ यहाँ पे जाना पॉसिबल था। उसके बाद में अपन क्या क्या चेक करेंगे कि वहाँ पे जो कॉलम है ना, मतलब वो जो ग्रिड की जो भी है ये, ठीक है, जैसे ये मान लो, तो यहाँ पे वन होना जरूरी है, जीरो पे तो अपन वैसे ही मूव नहीं करेंगे, तो वन है तो वन पे मूव कर जाओ। बहुत बढ़िया। तो अभी अपन ने सबसे पहले जब रो को प्लस वन किया तो अपन कहाँ पे मूव करे थे, बॉटम में। फिर अपन ने रो को माइनस वन किया तो कहाँ पे मूव करे, टॉप में। फिर अपन ने कॉलम को प्लस वन किया तो कहाँ पे मूव करे, राइट में। फिर अपन ने कॉलम को माइनस वन किया तो कहाँ पे मूव करे, लेफ्ट में। और ऐसे ही अपन ने सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली, ठीक है। बहुत बढ़िया। और अब अपन ने क्यू में हमेशा पुश करते गए, लेकिन क्यू में पुश करते टाइम अपन ने क्या ध्यान रखा कि अब अपन ना जो इंक्रीज रो है वो, ठीक है, कॉलम पुश हो जाओ और डिस्टेंस में प्लस वन करके पुश हो जाओ, सही है। डिस्टेंस में प्लस वन क्यों किया इसमें, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है बस। और लास्ट में अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे कहीं पे भी अगर अपना डेस्टिनेशन के इक्वल अगर अपन पहुँच रहे होंगे तब तो सीधा डेस्टिनेशन को रिटर्न करवा देंगे, और नहीं तो अपन क्या करेंगे, माइनस वन को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम थी क्या, यहाँ पे तो जब अपन देख रहे थे तो हो सकता था कि कोई रास्ता बहुत बड़ा वाला भी आ जाए, उसके बाद में कोई अपने को छोटा मिल जाए, तो ये जो है ना वो BFS में कभी नहीं आता। BFS में क्या होता है कि अपन सारे वेज को कैलकुलेट करते हुए चल रहे हैं, सारे जितने भी तरीके पॉसिबल है ना उन सबको कैलकुलेट करते हुए चल रहे हैं, तो जो भी सबसे पहले आ जाएगा ना वही सबसे मिनिमम होगा, इतना तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बार अपन इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, तो इट गॉट सबमिटेड। तो और जो इसका कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।